मकसद आप समझ गए हो। अब मैं अपनी बात आपके बीच में रखूं, सीधी सीधी सी बता दूं कि सच लोग हैं, सच्चाई जानते हैं, भारत की स्थिति क्या है ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं। भारत की व्यवस्था को लगातार बेचा जा रहा है, भारत की व्यवस्था को लगातार बेचा जा रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी, सरकारी कर्मचारी के लोग मेरी बात को सुने, न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने पढ़ी थी। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ था कि अब नौकरी की जो समय सीमा 8 घंटे तय की गई है, उस समय सीमा को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने पढ़ा तो दुख हुआ कि 8 घंटे काम करने वाले लोगों को 12 घंटे उसी पैसों में काम करना पड़ेगा। फिर देश को जो प्राइवेटीकरण की आग में झोंका जा रहा है, उस ओर भी आपका ध्यान केंद्रित कर दूं। एक प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। भारत की उन्नति का रास्ता किसी जाति धर्म के विशेष वर्ग के व्यक्ति का रास्ता नहीं, भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलियानों से होकर गुजरता है। आज मौजूदा समय में कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी आता हूँ अपने साथियों को बता रहा था कि गेहूं की फसल बहुत मेहनत से होती है। जब गेहूं में पानी दिया जाता है ना, तो भरी सर्दी के अंदर एक किसान खेत में खड़ा होकर पानी देता है, और जब गेहूं की फसल कटती है तो भरी दोपहरी में जब हम खड़े नहीं हो सकते, उस समय किसान गर्मी में बैठकर अपने गेहूं काटता है, तब जाकर के उसको फसल का बहुत छोटा सा मुआवजा मिलता है। ये मैं याद इसलिए करा रहा हूँ कि ये क्रांति ही सही, ये संवैधानिक क्रांति मध्य प्रदेश से उठ जाए, कम से कम पूरे देश के अंदर इस देश को बचाने की जो व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं वो एकजुट हो जाए, जिससे कि भारत देश को पुनः गुलाम होने से बचाया जा सके। आज देश को लगातार प्राइवेटीकरण की ताक में झोंका जा रहा है, जहां देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के पास, प्रत्येक गरीब के पास कहीं ना कहीं रहने खाने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा होना जरूरी था। आज वो जमीन का अधिग्रहण कर भूमाफियाओं की पेट चढ़ चुका है। आप भी अगर मध्य प्रदेश में नजर डालेंगे, ना जाने कितने हजार एकड़ जमीन भूमाफियों के पेट चढ़ चुकी है। ये गांव का मामला नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। इसमें हम तो जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, उनको कहने आए थे कि कम से कम जो कोर्ट के आदेश हुए हैं उन आदेशों का पालन करते हुए जो लोग गरीबों के अधिकार छीन रहे हैं उनको जेल भेजने का काम कर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अधिकारों की बात करते हैं तो पता लगता है कि हम ही लोगों को जेल जाना पड़ जाए।